हेलो ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है कि पाइथन स्टार्ट कहाँ से करना है। जनरली क्या होता है कि पाइथन के ट्यूटोरियल्स क्या देखने हैं, कहाँ से हम पहले बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर पाइथन की थोड़ी बैकग्राउंड अगर हमें कहीं से लेना हो, या फिर उसके रिलेटेड कुछ हमें गाइडेंस, डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चीज़ें चाहिए रहती है, तो वो कहाँ से हम ले सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम फोकस करेंगे और एट द एंड हम एक एक आध छोटे प्रोग्राम्स भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये सारे प्रोग्राम्स हमारे लोकल पीसी पे नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं, तो सबसे पहला कि हमें पाइथन अगर स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहला ग्लिम्स लेना चाहिए कि पाइथन है क्या, उसे कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम ब्राउजर में जाना है। हमें दो तीन वेबसाइट्स में आपको बताने वाला हूँ, वो वेबसाइट्स पे जाके आपको सिर्फ क्या करना है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पाइथन टाइप करना है और इसके आगे आप चाहे तो ट्यूटोरियल लिख सकते हैं या एग्जांपल्स लिख सकते हैं। सेम थिंग आपको W3 School से एक है वेबसाइट, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। एंड थर्ड वन जो हमारी है वो गिग फॉर गिग्स है। तो ये तीनों वेबसाइट्स आपको बहुत ही पसंद आएगी मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, बिकॉज मैं भी इन्हीं वेबसाइट्स को रेफर करता था एट द स्टार्ट। आज भी मुझे कभी कभी इन वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अभी ट्यूटोरियल्स पॉइंट आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है कि फ्री प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इवन W3 School पे भी हम फ्री प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फ्री एक्चुअली सारे वेबसाइट्स ओपन सोर्स है, और नॉट ओपन सोर्स बट फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे, एंड यू डोंट नीड टू गेट एनी सब्सक्रिप्शन। कोई कोई वेबसाइट्स है जो आपको लॉग इन के लिए बोलेंगे, तो आप उस पे चाहो तो लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि पाइथन क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है कि उसकी स्टार्ट कैसे हुई थी, किसने किया। बट जनरली ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट स्टिल एक ओवरव्यू तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद हमें जनरली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो हम करते ही है स्टार्टिंग में, तो वो हेलो वर्ल्ड कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं एक ऑनलाइन एडिटर में जाऊँगा, जैसे अभी मैंने W3 School के पाइथन ट्यूटोरियल के वेब पेज पे गया। तो यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो सिंपली कि यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग योर पाइथन नाउ आया है, एंड देन नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको अगर हेलो वर्ल्ड ट्राई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने एक नीचे एक ग्रीन कलर का बटन दिया है, उसमें मेंशन है कि ट्राई इट योरसेल्फ। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया एडिटर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये पोर्शन यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये हमारा कोडिंग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम टाइप करना रहता है, एंड देन यहाँ पे एक रन बटन है उसे प्रेस करना है, एंड यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में ये आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आपके हमारा पहला यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। हेलो वर्ल्ड जनरली हम कोई भी प्रोग्रामिंग के स्टार्ट करते हैं तो ये एक रिचुअल है, ऐसा बोल सकते हैं कि अब पहले हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब ये हेलो वर्ल्ड को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जस्ट टू चेक कि उस आउटपुट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, और ये एडिटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने रन पे प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ये रनिंग स्टार्ट किया उसने। एक्चुअली ये नेट की कनेक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी ये थोड़ा स्लो हो सकता है। आपकी नेट की कनेक्टिविटी कैसी है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बिकॉज ये ऑनलाइन एडिटर है, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्लियरली बहुत चीज़ें प्रिंट आउट करके हमें दिखा दिया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुआ। अब हमें अगर कुछ और भी करना है, जैसे कुछ और प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है, तो वो हम यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं पे दूर गए हुए हैं और हमें कुछ एक क्विक चेक करना है, क्विक प्रोग्राम करना है, और हमें जस्ट एक क्रॉस चेक करके फटाक से हमें किसी को आउटपुट देना है, तो उस केस में हमें पाइथन इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जाके फटाक से उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ऑनलाइन एडिटर ओपन करेंगे, एंड देन वहाँ पे वो चीज कोड को प्रैक्टिस करके फिर उसे दे सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बेसिकली क्या है, ये ऑनलाइन है,
इज ओपन टू ऑल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो इस डेटा को यूटिलाइज करते हैं और कुछ नहीं यूटिलाइज करते हैं। तो जो कुछ सेंसिटिव हो, जो स्पेसिफिक टू बिजनेस या मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वैसी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करो यहाँ पे प्रोग्राम करना है, या कोई वैसी सिचुएशन है या वैसा कोई कोड है आप देखना चाहते हो तो उसे जनरली अवॉइड करो। ठीक है, कुछ जनरिक काम हो तो आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए, तो इसके साथ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है कि मतलब हम कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, या फिर थोड़े बहुत बोल सकते हैं आपकी उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, या फिर स्ट्रिंग क्या है और लिस्ट क्या है, टपल क्या है, ये सारे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी यहाँ पे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके क्विज भी है, आप क्विज चाहे तो क्विज के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आपको एट द एंड एक इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा, थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो सबसे फर्स्ट मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्टार्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वंस अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप स्लोली स्लोली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क की ओर भी जा सकते हैं, जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपलर है, देन धीरे धीरे आप जाओगे तो यहाँ पे ग्राफ्स है, देन मशीन लर्निंग का लाइब्रेरीज भी है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो हमारे पाइथन के इस वेबसाइट के साथ। सिमिलरली आप गिग पर भी जाओगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगा, कोई एसच इतना डिफरेंस नहीं होता है, सारे कंटेंट सेम होते, ओनली डिफरेंस ये होता है कि उनका लिखने का पैटर्न क्या है, वो किस हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, किस हिसाब से अपने वेबसाइट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जांपल्स क्या है उनके, वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। बाकी देखा जाए तो सारे सिंटैक्स, सारे जो कीवर्ड्स है और जो भी फंक्शनैलिटीज है वो सारी की सारी सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसके साथ हमने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक टाइम के लिए हम एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला हैश लगाया हमने, मतलब ये हमारा कमेंट हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारा एक वेरिएबल है या फिर उसके अंदर हम एक नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड बी हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम सेकेंड नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, सी इक्वल टू क्या है हमारा, ए प्लस बी, ये हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स है। तो C जो है हमारा वो थर्ड वेरिएबल है जिसमें हम A प्लस B कर रहे हैं, मतलब वो दोनों का सम वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मेंशन करते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉमा डाल के अपना C वेरिएबल डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। तो रन करने के बाद ये क्या करेगा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू ये करके, तो अब ये c का वैल्यू जो है वो क्या होता है हमारे हिसाब से 22 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिशन ऑफ ये टू नंबर इज इक्वल टू 22 दे रहा है। तो इस हिसाब से हम ऑनलाइन एडिटर पे भी हमारे कुछ प्रैक्टिस के प्रॉब्लम या फिर कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट जनरिक है वो रिक्वायरमेंट, तो हम उसे भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। किसी को डेमो देना हो या कुछ ट्राई आउट करना हो तो वी कैन डू इट ऑन दिस एडिटर ऑल्सो। इवन अब जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उस वक्त भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कभी कभी हमारे पास जो लैपटॉप या जो सिस्टम अवेलेबल है उसमें पाइथन इंस्टॉल नहीं होता है, तो उस केस में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन देके उसका एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और अगर वो छोटा सा कोई क्वेरी है या छोटा सा कोई इजी डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।